नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब वीडियो में पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हे पत्थर पूजने वालों, तुम्हें जिंदा आदमी की बात सुनने का अभ्यास नहीं, इसलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। जीवित अवस्था में तुम जिसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते, उसकी सड़ी लाश के पीछे जुलूस बनाकर चलते हो। जिंदगी भर तुम जिससे नफरत करते रहे, उसकी कब्र पर चिराग जलाने जाते हो। मरते वक्त तक जिसे तुमने चुल्लू भर पानी नहीं दिया, उसकी हाड़ गंगा जी ले जाते हो। अरे, तुम जीवन का तिरस्कार और मरण का सत्कार करते हो, इसीलिए मैं मरकर बोल रहा हूँ। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। सुना कि तुम्हारे यहाँ के मंत्री ने संसद में कहा कि मेरी मौत भूख से नहीं हुई, मैंने आत्महत्या कर ली थी। मारा जाऊं और खुद ही मौत का जिम्मेदार ठहराया जाऊं, भूख से मरूं और भूख को मेरे मारने का श्रेय ना मिले, अन्न अन्न की पुकार करता मर जाऊं और मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आवे। लेकिन खैर, मैं यह सब भी बर्दाश्त कर लेता। जिंदगी भर तिरस्कार का स्वाद लेते लेते सहानुभूति मुझे उसी प्रकार अरुचिकर हो गई थी जिस प्रकार शहर के रहने वाले को देहात का शुद्ध घी। लेकिन आज ही एक घटना और यहाँ इस लोक में घट गई। हुआ यह कि स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती है, उसकी सेंध में से आज सवेरे मेरे कुत्ते ने मुझे देखा और कुर कुर करके प्यार जताने लगा। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना ना रहा कि मैं यहाँ नर्क में और मेरा कुत्ता उस ओर स्वर्ग में। यह कुत्ता, मेरा बड़ा प्यारा कुत्ता, युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक, जब से मेरी स्त्री एक धनी के साथ भाग गई थी, तभी से यह कुत्ता मेरा संगी रहा। ऐसा कि मरा भी साथ ही, कभी मुझे छोड़ा नहीं इसने। बगल का सेठ इसे पालना चाहता था, सेठानी तो इसे बेहद प्यार करती थी, पर यह मुझे छोड़कर गया नहीं, लुभाया नहीं। सो मुझे सुख ही हुआ कि वह स्वर्ग में आनंद से है। पर मेरे अपने प्रति किए गए अन्याय को तो भुलाया नहीं जा सकता। और भाई, यह तुम्हारा मृत्युलोक तो है नहीं, जहाँ फरियाद नहीं सुनी जाती, जहाँ फरियादी को ही दंड दिया जाता है, जहाँ लाल फीते के कारण आग लगने के साल भर बाद बुझाने का आर्डर आता है। यहाँ तो फरियाद तुरंत सुनी जाती है। सो मैं भी भगवान के पास गया और प्रार्थना की, हे भगवान, पृथ्वी पर अन्याय भोग कर इस आशा से यहाँ आया कि न्याय मिलेगा, पर यह क्या कि मेरा कुत्ता तो स्वर्ग में और मैं नर्क में। जीवन भर कोई बुरा काम नहीं किया, भूख से मर गया, पर चोरी नहीं की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और कुत्ता जैसा कुत्ता होता है वैसा ही तो है यह। कई बार आपका भोग खाते पीटा यह, और इसे
आपने स्वर्ग में रख दिया। और भगवान ने एक बड़ी बही देखकर कहा कि इसमें लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। मैंने कहा कि नहीं महाराज, मैं भूख से मरा, मैंने आत्महत्या नहीं की। पर वे बोले, नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे देश के अन्न मंत्री ने लिखा है कि तुमने आत्महत्या की। तुम्हारे शरीर के पोस्टमार्टम से यह बात सिद्ध हुई है। और भगवान आसमान से गिरते गिरते बचे जब मैंने कहा कि महाराज यह रिपोर्ट झूठ है, मेरा पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, अरे मैं तो जला दिया गया था। इसके 10 दिन बाद संसद में प्रश्न उत्तर हुए, तो क्या मेरी राख का पोस्टमार्टम हुआ? और तब मैंने उन्हें पूरा हाल सुनाया। लो तुम भी सुनो, तुम नहीं जानते मैं कहाँ जिया, कहाँ रहा, कहाँ मरा। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। और तुम क्या जानो कि जब मेरी सांस चलती थी तब भी मैं जिंदा था। मैं इस अर्थ में जीवित था कि मैं रोज मृत्यु को टालता जाता था। वास्तव में तो मैं जन्म के पश्चात एक क्षण ही जीवित रहा और दूसरे क्षण से मेरी मौत शुरू हो गई। तो बाजार की उस अटालिका को तो जानते हो, उसी के पीछे एक ओर से पाखाना साफ करने का दरवाज़ा है और दूसरी ओर दीवार के सहारे मेरी छपरी। अटालिका का मालिक मेरी तोड़कर, मेरी छपरी तोड़कर यहाँ भी अपना पखाना बनाना चाहता था। अगर मैं मर न जाता तो गरीब आदमी की झोपड़ी पर अमीर के पखाने की विजय भी इन आँखों से देखता। अब तो तुम मेरा स्थान जान गए होगे, आदमी से अधिक तो तुम अटालिका को पहचानते हो। अटालिका के सहारे आदमी को जानना तो तुम्हें खूब आता है। बस यहीं झोपड़ी में रहा मैं, मेरे आसपास अन्न ही अन्न था। दीवार के पार से जो चूहे आते वे दिन पर दिन मोटे होते जाते, और 2 रोज तक तो वे इसलिए नहीं आए कि निकलने का थोड़ा मार्ग बनाते रहे। पर मैं फिर भी भूखा रहा, बेकार था, अनाज 10 रुपये सैर था। इससे तो मेरे लिए मौत सजती थी। आखिर मेरी मौत भी आई। जिस दिन आई उस दिन अटालिका के उस पार वाले रईस के लड़के की शादी थी। बड़ा अमीर था, सारा गांव जानता था कि उसके पास 1000 बोरे अन्न था, पर कोई कुछ नहीं कहता था। पुलिस उसकी रक्षा करती थी। और उस दिन मेरी मौत धीरे धीरे काला पंजा बढ़ाती आती थी। मेरे पेट में ऐंठ आई, आंखें धुंधली पड़ी, दीवार के उस पार पकवानों की सुगंध आ रही थी। यही संतोष रहा कि पकवानों के बीच मेरी मौत हुई। मौत के जरा पहले मेरा प्यारा कुत्ता बरबस दीवार के उस पार घुस गया और पकावन खा गया। मालिक ने उसे खींच कर एक डंडा मारा और वह कराहता हुआ मेरे पास आकर पड़ गया। चीखता रहा, चीखता रहा, मेरे भी प्राण निकल रहे थे, पर मुझे इस जानवर के सामने चीखने में लज्जा आई। इधर मेरे पेट में आखिरी ऐंठ आई
और पंछी ने पिंजरा खाली किया, उधर मेरे कुत्ते का भी दम टूटा। डंडे की चोट बड़े मर्म की थी, दोनों मरे एक साथ मरे, फर्क इतना कि वह खाकर मरा और मैं बिना खाए। उधर बारात उठी, इधर चांडालों ने टीन की गाड़ी में मुझे पटक कर घसीटा। सड़क के उस ओर से अमीर के लड़के की बारात जा रही थी, इस ओर से मेरी यह सरकारी अर्थी। सरकार ने भोजन का प्रबंध नहीं किया था, पर मरने वालों की लाशों को दफनाने का इंतजाम बहुत अच्छा किया था। उधर बारात के पीछे मंगलगान हो रहा था, मेरी लाश के पीछे एक भी रोने वाला नहीं था। ऐसी सफाई से मरा कि किसी को कष्ट न हुआ, कुत्ते तक को नहीं। बारात पहुंच गई थी, गोले छूट रहे थे और इधर अपर्याप्त लकड़ी में मेरी हड्डियां चटचटा रही थी। ऐसा मरा और मरकर यहाँ जब आया तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। जब मैं नर्क में भेज दिया गया, मैंने प्रतिवाद करना सीखा नहीं था और यह स्थान भी उससे ज़्यादा खराब नहीं था जहाँ मैं जिंदगी भर रह चुका था। कहानी भगवान ने सुनी, बोले, तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नर्क में रहोगे और कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, और यह तुम्हारे बगल का कमरा उस झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। मैंने पैर पकड़ लिए, बोला, भगवान यह कैसा न्याय है? वे बोले, मूर्ख कायर, तू कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार को लांग कर घुस गया और खाना खा आया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तू दीवार लांग नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था। लेकिन भगवान, मैंने कहा, वह दीवार कैसे तोड़ता, कैसे लांगता, यह पाप न होता? भगवान ने क्रोध से कहा, पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाले कायर, वह दीवार क्या मेरी बनाई हुई है? तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की है और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य देखता है? मूर्ख, तेरा कुत्ता तुझसे ज़्यादा समझदार है। वह घुस गया, खाया और डंडे की मार से मरकर यहाँ आ गया। उसमें मनुष्यत्व है, तुझमें पशुतत्व भी नहीं। मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है और तू अकर्मण्य बुजदिल कीड़े सा मर गया। मनुष्य ने मुझे बहुत निराश किया, अब मैं कुत्ते ही कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। तुम जैसे अकर्मण्य कायर भीरु मूर्ख को नरक नहीं तो क्या इंद्रासन मिलेगा? मैं नरक में ढकेल दिया गया और मैं इस कोने से तुमसे कह रहा हूँ कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना। इस तरह हरिवंश राय परसाई हरिशंकर परसाई द्वारा रचित मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी का वाचन पूरा हुआ। अब लेखक परिचय देखते हैं। हरिशंकर परसाई लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग विधा को नया रूप और नया आयाम देने वाले हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकी। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। पिता की बीमारी के कारण परिवार की आजीविका के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में
एमए करने के बाद इन्होंने अनेक स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। जबलपुर में रहते हुए वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन शुरू किया। आर्थिक हानि उठाने के कारण उन्हें वसुधा का प्रकाशन बंद करना पड़ा। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उनके कहानी संग्रह हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उनके उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी उनके निबंध संग्रह है। वैष्णो की फिसलन, तिरछी रेखाएं, छिटूरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज़, तुलसीदास चंदन घीसे आदि उनके व्यंग्य लेख हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहज एवं सरल भाषा में समाज की विसंगतियों और कुरीतियों पर हास्य व्यंग के माध्यम से चुटीला प्रहार परसाई जी की अन्यतम विशेषता है। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इस महान रचनाकार का देहांत हो गया। इसी के साथ इस वीडियो में लेखक परिचय के साथ ही मैं नर्क से बोल रहा हूँ, कहानी का वाचन पूरा हुआ। धन्यवाद।